हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई जोन। दिस इज स्काई फैंटम हियर और यू कैन कॉल मी द गौरव पटेल इज हियर। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे 900 DC गिव अवे टूर्नामेंट के जो भी हुआ है, जो UC के टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से जब रजिस्ट्रेशन आया तो प्लेयर्स के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहली कन्फ्यूजन ये है कि भाई टूर्नामेंट कब है, कैसे है। तो भाई देखो, हमारे पास 45 से 50 टीम्स के रजिस्ट्रेशंस आए हैं और इस टाइम पे हम न्यू हैं, तो हम किसी भी रजिस्ट्रेशन को मना नहीं कर पाए। हमने मैक्सिमम प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन दिया और 50 टीम्स हो गई हैं, तो हमने उसके बाद से कहना चालू कर दिया भाई कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं, उसके बाद नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्लेयर, जो भी 50 टीम्स जो भी हैं, आपने जितने भी प्लेयर्स को रजिस्टर किया है हमारे पास, सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को खिलाइएगा, कोई एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेके मत आइएगा, नहीं तो आपको किक आउट कर दिया जाएगा। आपको हो सकता है पूरी लाइनअप को किक आउट कर दिया जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो स्लॉट दिया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उसी स्लॉट में बैठना, किसी दूसरे प्लेयर के स्लॉट में मत बैठना। तो दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि भाई चलो अब मैचेस कब हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इनको क्लियर करते हैं। तो हमारे जो मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 से 8 तक चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब 45 से 50 टीम तक हमने दो ग्रुप बनाए हैं और दो ग्रुप डिवाइडेड है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। तो हर एक ग्रुप से दो दो क्वालिफायर मैच किए जाएंगे, मतलब ग्रुप ए में दो क्वालिफायर मैच होगा, ग्रुप बी में दो क्वालिफायर मैच होगा, इरेंगल एंड मीरामार। मैं अब भी बता दिया। अब इन दो मैचेस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, सारे पॉइंट्स आपको ये क्वालिफायर्स में इन्हीं दो मैचेस के हिसाब से मिलेंगे। जो टॉप 10 टीम ग्रुप ए और जो टॉप 10 टीम ग्रुप बी से आई है उन दोनों को मिलाएंगे और 20 टीम्स आएंगे और ये 20 टीम्स जाएंगे हमारे फाइनल्स में। फाइनल्स में हमारे 3 मैचेस होंगे, EVM, इरेंगल विकेंडी एंड मीरामार। इन 3 मैचेस पे बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, किल पॉइंट्स, 1.10 पोजिशन पॉइंट्स, सारे पॉइंट आपको ग्रुप में डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे, डोंट बी वरीड अबाउट इट। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, प्लस डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द चैनल। और फिर थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं गाइस कि लोग कह रहे हैं प्राइस पूल क्या है। प्राइस पूल देखो गाइस, 900 UC कंप्लीट है, मतलब कि 600 UC जो है वो विनर टीम को मिलेगा, 200 UC जो है वो रनर अप टीम को मिलेगा, और 100 UC जो है बोनस है जो प्लेयर ने मैक्सिमम किल किए हैं उसको मिलेगा। 600 UC जो है वो पूरी टीम को मिलेगा, ना कि पूरी टीम के हर एक प्लेयर को मिलेगा, मीन्स 150 UC फॉर ईच प्लेयर, ये हो गया गाइस। तो और दूसरा जो है 200 UC फॉर रनर टीम, मीन्स 50 UC ईच प्लेयर। और जो 100 UC किल है, मतलब कि मैक्सिमम किल्स, वो कैसे डिसाइड होगा, फाइनल्स के जो 3 मैचेस हैं गाइस उसमें जो टीम सबसे ज़्यादा किल्स करेगी और जो टीम ने सबसे ज़्यादा किल्स किए उस टीम में जिस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा किल्स किए उन तीनों मैचेस में, उसको 100 UC के बोनस मिलेगा। एंड आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। तो मैं सिंपली ये शॉर्ट में करूँ तो हमारा जो पहला क्वालिफायर है वो 5 को होगा, दूसरा क्वालिफायर है वो 6 को होगा, फाइनल्स के 2 मैचेस 7 को होंगे और फिर एक फाइनल मैच 8th को होगा मीरामार वाला, प्लस जो रिजल्ट है वो 9th को डिस्क्लोज किए जाएंगे। और मे बी इन सब डेट में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं लास्ट मोमेंट में, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको देखते हुए लास्ट मोमेंट पे चेंजेस हो सकता है, बट टूर्नामेंट कैंसिल नहीं होगा और कोई भी पार्शियलिटी आपके साथ नहीं होगी गाइज। तो प्लीज़ इस सब का ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि कोई इसी के साथ कोई भी गेम के इन गेम कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है कि कौन कैसा खेल रहा है, ये हमारी टीम है या इसको मैं जानता हूँ तो इसको मैं आगे लेके चले जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबको आगे लेके जाया जाएगा। तो आई होप आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई है, और अभी भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई है गाइज तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लो, एक मैसेज डाल देना कम्युनिटी टैब में, मैं DJ यानी कोई भी आपको जाके सब क्लियर कर देगा, और नहीं होता है तो मैं सिंपली आके आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है। सो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टाटा, बाय बाय, गुड लक।